महिला के न्याय दिलाने के लिए सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। जब चुनाव का समय आता है तो लोग तरह तरह के नारे लगाते हैं और लोगों को लुभाने के लिए, जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई माधव ने कहा, नारा लगाते हैं माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे फलाने सरकार चिलाने सरकार, लेकिन लगता है वो नारा आज अपने पैजामा का नारा बना करके बांध करके सोए हुए हैं। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आए दिन पूरे बिहार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोज घटना दुर्घटना होते रहता है। आप पेपर उठा करके देखिए, हमारे दल के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय पप्पू यादव, पूरे बिहार में कहीं भी कोई भी घटना हो, सबसे पहले उस पीड़िता को या पीड़ित को आंसू पोंछने के लिए अगर जो कोई पहला व्यक्ति पहुंचता है तो पप्पू यादव। वो व्यक्ति रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी पीड़ित का आंसू पोंछते रहता। आप जो क्षेत्र में देखते हो तो देखते हैं, आप एक बार किसी भी व्यक्ति को अगर जो ऐसा है तो आप जाए उनके दिल्ली आवास पर, पति पत्नी दोनों सांसद है, एक अपना जो फ्लैट है उनको मिला हुआ है, उस फ्लैट पर पूरे बिहार की जनता, वो कोई किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, लगभग 500 बीमारी वहां प्रतिदिन इलाज के लिए रहता है, उसके लिए बजाबते 3 वो स्टाफ रखे हुए जो जाकर के एम्स में हो या जिस भी हॉस्पिटल में हो वहां जाकर के वो इलाज कराता है और उसको समय पर सब चीज व्यवस्था करवाता है। ऐसा सांसद हम पूरे भारत में अगर जो कोई होगा तो हमको लगता है सिंगल पप्पू यादव है। और आए दिन लोग उसे जाति पाति के बंधन में बांधते हैं, कहते हैं लोग कि फलाने जाति के हैं चिलाने जाति के हैं, लेकिन हम भी अग्नि जाति से आते हैं और हमने भी बहुत सांसद बहुत लोगों के साथ संगत किया है, बहुत लोगों को देखा है और जब नजदीक से जाकर के जब हमने देखा तो मैं देखता हूँ उसके जैसा व्यक्ति पूरे बिहार में कोई भी सांसद नहीं होगा जो अपने घर से कहीं भी कुछ घटना हो उसका इलाज कराता है। सुबह में 5 बजे सुबह में उठ करके सबसे पहले जाकर के उन बीमारियों के परिजनों से जाकर के मिलता है, उसका चाय का व्यवस्था करवाता है और एक एक का जाकर के आपको आज खाने के लिए क्या है, पीने के लिए आज आपको किस डॉक्टर से दिखाना है, कहाँ जाँच कराना है, ऐसा कराने वाला सिंगल व्यक्ति है। आप कोई भी व्यक्ति कभी भी जाकर के देख सकते हैं, जाँच सकते हैं और मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ। भले ही लोग जाति पाति के बंधन में बांध करके उसको जो भी बोले। और साथियों, मैं यहाँ जो उपस्थित हुआ हूँ आज मोकामा धोबिया टोला में एक कुकर्मी दुष्कर्मी से वहाँ के लोग प्रताड़ित हैं, आए दिन रोज कुछ न कुछ, 21 दिन हो गया उस महिला के साथ दुष्कर्म हुए और आज तक प्रशासन उस पर कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसा भी होता कि अगर जो अपराधी कहीं भागा फिर नुका छुपा होता तो कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन उसी पंचायत में रह करके रोज बरोज वो कोई न कोई नए नए घटना को अंजाम दे रहा है। और हमारे नेता जनप्रतिनिधि सब कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, 5 साल में आएंगे और तरह तरह के नारे और वादे करके घर का बेटा है घर की पतोहू है कह करके वोट ले जाएंगे और जाकर के हमारे नेता तो अभी परवेज हाफिज सईद जो निकला है जेल से उसके डर से अभी अपना नारा दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, उनको दिन रात डर लगते रहता है कि हाफिज सईद निकल गया है जेल से कहीं हमको मार न दे। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे मोकामा में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, पूरे मोकामा के सभी दल दलदल से ऊपर उठ करके हम लोगों ने मोकामा में प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया था। जैसे अयोध्या में राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तो अयोध्या को सजाया गया था, पूरे दीपावली मनाया गया था, उसी तरह मोकामा में दीपावली से पूर्व हरेक घर में दिया बत्ती जलाया गया, हरेक दुकान में पूरे चौक चौराहे पर दिया बत्ती सीरीज बोर्ड लगा करके केला का थूम गढ़ करके उनका स्वागत किया गया कि प्रधानमंत्री जी आए हमारे क्षेत्र का कुछ न कुछ जरूर विकास की बातें होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय आए तो परशुराम की धरती को याद किए, बाबा चूहड़मल को याद किए और
रामधारी सिंह दिनकर जी को याद किए। ये सब तो हमारे क्षेत्र के धरोहर हैं और रहेंगे, सदैव धरोहर रहेंगे। आने वाला पुत्र भी उनको पूजेगा। और कुछ हमारे क्षेत्र का चार चार फैक्ट्री मोकामा विधानसभा के अंदर है, बंद हो गया, उस पर एक बात का भी चर्चा नहीं किए। इस फतुहा से लेकर के लखीसराय तक का टाल क्षेत्र है, जो किसानों को जीने के लिए मरने के लिए वही एक साधन है, उस पर एक भी बात का चर्चा नहीं किए। पूरा क्षेत्र को अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है कहीं कोई भी। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय उस दिन भी उपस्थित थे, वो याचक के भाव में भिखमंगा के तरह प्रधानमंत्री महोदय के सामने गिरा रहे थे। प्रधानमंत्री महोदय, हमारा ये क्षेत्र हमको 5 बार MP बनाया है, और अरे महाराज आपको 5 बार MP बनाया, आप चाहते आप जितने बड़े बड़े पोस्ट पर क्षेत्र को सुशोभित किया, आप मुख्यमंत्री रहे 10 साल, आप चाहते तो अपने फंड से इस क्षेत्र का विकास कर सकते थे, लेकिन आपको इस क्षेत्र से वोट लेने की, जाति पाति में बांटने की, कभी कि किसी क्षेत्र में आरक्षण, कभी कोई आरक्षण का करके जाति पाति में बांट करके वोट लेने का सही मतलब है। इस क्षेत्र का विकास से आपको कभी कोई मतलब न रहा न रहेगा। आपको क्षेत्र का विकास एक तरह ही बस राजगीर में दिखता है, नालंदा जिला में दिखता है। कोई भी विकास की बात हो तो नालंदा में हो और राजगीर में हो, और पूरे बिहार में जाति पाति में बांट करके कभी उसका, आज लोग राजनीति में लगे हुए, कभी कोई कहते हैं उसके घर में घुस के मारेंगे, कोई कहते हैं उसके घर में घुस के मारेंगे, केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं कि जनता इसी सब में बहका रहे, ध्यान में रहे, और हमारा अपना राजनीति सेक्टर है। केंद्र में भी वैसे ही सरकार है, कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी GST, कभी 3 तलाक, ऐसे ऐसे मुद्दे, जिस मुद्दा को लेकर के आप प्रधानमंत्री बने उस मुद्दे पर बात कीजिए। उस मुद्दा पर आपने क्या क्या किया, उस मुद्दा को आप भूल गए, राम मंदिर भूल गए, सब कुछ भूल गए, और आप केवल जनता को भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यहाँ जिस उद्देश्य से अपराध के खिलाफ मैं यहाँ जो धरना दे रहा हूँ, यहाँ पर उपस्थित अनुमंडल कार्यालय के सामने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा, क्या जो किस्मा दिन बीत रहा है और अपराधी खुलेआम इस क्षेत्र में घूम रहा है, आप इसका संज्ञान लें और उस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम लोग उग्र रूप देंगे, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, इस आंदोलन में हम लोगों को साथ दें और उस अपराधी को गिरफ्तार कराने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय जन अधिकार पार्टी। ललन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।